अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से। आज मैं आई हुई हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, और आज का व्लॉग जो है ना वो यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हो रहा है। और जो मौसम है ना वो आजकल बड़ा अच्छा हुआ हुआ है, और व्लॉग जो पिछला है ना वो आप लोगों ने देखा होगा कि वो तो हमेशा सारे व्लॉग्स हमेशा हमेशा घर पे ही होते हैं। तो मैंने सोचा आज क्यों ना यूनिवर्सिटी में एक अच्छा सा व्लॉग शूट किया जाए। और सीन्स कुछ इस तरह से हैं कि आज हमारे प्लान्स जो है ना वो बन गए हैं थोड़े नाश्ते वाश्ते के, तो हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। सो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मिलते रहें। और चलते हैं जी नाश्ते के ऊपर। और फ्रेंड्स मेरी जो हैं वो कुछ वहाँ खड़ी हुई हैं दो तीन, और कुछ जो हैं वो तैयार हो रही हैं। और मुश्किल से जो है ना वो लड़कियों को इकट्ठा करना पड़ता है एक जगह पे, एक एक करके जो है ना वो तैयार होती हैं, और फिर उनको लेके जाना हर पॉइंट पे वो बड़ा मुश्किल होता है। कभी कोई एक छूट जाती है बीच में, कभी कोई छूट जाती है, कभी कोई छूट जाती है, कभी किसी का प्लान कैंसिल हो जाता है। लेकिन आज फिलहाल हमारा प्लान जो है ना वो बन गया है। अब देखते हैं, अब चलते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर ही कहीं ना बड़े अच्छे अच्छे नाश्ते वाले हैं, तो वहाँ पर चलते हैं, पॉइंट डिसाइड करते हैं। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। ओके जी, फिलहाल जो है ना हम इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार ही कर रहे हैं। दो तीन लड़कियां हमारी अभी तक मिस हैं, दो जो हैं वो यहाँ पे खड़ी हुई हैं मेरे साथ, और दो जो हैं वो अभी आने वाली हैं। तो देखते हैं वो कब आती हैं, आएंगी तो उसके बाद ही जो है ना वो हम यहाँ से निकलेंगे। और धूप जो है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं सन ब्लॉक थोड़ा लगा के आई हूँ आज, इतने सन से मेरी स्किन बर्न तो नहीं होगी ना? नहीं, इतने से नहीं होगी। करो कॉल, तुम कॉल करो, शायद तब तक आ जाओ। कॉल करते हैं, आ गई हैं, वो आ गई हैं। चलो जी, हमारी दोस्तें आ गई हैं, अब हम जो है ना वो नाश्ते के लिए निकलते हैं। ओके गाइस, हम जा तो रहे हैं लेकिन हमने ना पैदल जाने के ही डिसाइड किया है। मेरी बकरियों पीछे पीछे सारी आ रही हैं मेरी, और मैं आगे आगे जा रही हूँ। हमने सोचा कि यार ये दो कदम से तो है, तो क्यों ना हम पैदल ही चले जाते हैं बजाय इसके कि बाहर से रिक्शा लें और फिर हम जाएँ। पीछे तुम लोगों को सब नज़र आ रही होंगी, यहाँ बस करीब ही है, हमने वहाँ भी जाना है। तो फिर जो है ना देखते हैं वहाँ चल के कि क्या नाश्ता करते हैं। आज मैं सुबह से कुछ भी नहीं खा के आई हुई, इनफैक्ट मैंने पानी भी नहीं पिया हुआ। सो लेट्स गो, देखते हैं जाके कि क्या ऑर्डर करते हैं और क्या नाश्ता करते हैं। A few moments later. जी गाइस, हम पहुंच गए हैं जहां पे हमने करना है नाश्ता, और अब जो है हम अपना अपना मेन्यू डिसाइड करते हैं कि हमने खाना क्या है। सब लोग अपने अपने फ़ोनों में आते ही जो है वो बिज़ी हो गए हैं। देखते हैं कि हमने जो है अब क्या खाना है। ये तो ये है नाश्ते का मेन्यू, मुझे लगता है ये है, यही है। हाँ चलो यहाँ पर देखते हैं कि क्या खाते हैं। ओके जी, नाश्ता वाश्ता जो है वो हमारा आ गया है। हमने मंगवाए हैं मुर्ग चने, नान मंगवाए हैं, हलवा पूरी भी मंगवाई है, और भटूरे भी मंगवाए हैं। और तुम लोगों ने हैरान नहीं होना, ये सारा जो है ना वो हमने खा भी जाना है, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी सारे पार्टनर भी आए हैं, तो हम सब ने जो है ना वो सारा खा भी लेना है। चले जी गाइस, ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है। मैं ट्राई कर लूँ कि स्ट्रीक डालनी है पहले। स्ट्रीक वाले बंदे जो है ना वो पहले बैठे होते हैं, ट्राई करके देखते हैं कैसे। वैसे ये मेरे घर के करीब जो किनार रोड वाली ब्रांच है ना, वहाँ मैंने ट्राई किया हुआ है, मैंने वो ब्लॉग वगैरह भी डाला हुआ है। अच्छा मजे के हैं, मजे के हैं। ये मैंने ये वाले खाए हैं, ये मैं लगता है एक ही होते हैं। अच्छा, बहुत मजे का नाश्ता है। चलो जी फटाफट से नाश्ता करते हैं। चले जी गाइस, नाश्ता वाश्ता जो है वो हमने कर लिया है, बकरियाँ बकरियाँ आगे की तरफ है। अब जो है ना हम घर पे चलते हैं और रिक्शा विक्शा करवाते हैं अपने लिए, फिर घर जाके जो है ना वो दोबारा आपसे मुलाकात होती है। An hour later. So guys, हम जो है घर आ गए हैं। हम मैं पता क्यों कहती हूँ, आप लोग भी तो मेरे साथ साथ ही हो ना व्लॉग के अंदर। घर जी आ गए हैं, और आते सार ही जो है ना बस देख लो घर वालों ने मुझे काम पे लगा दिया, कहते चादर बिछवाओ साथ। खैर फटाफट से चेंज वेंज कर लें, क्योंकि इस टाइम खाना तो पता नहीं लेकिन चाय की ज़रूर तलब हो रही है, क्योंकि नाश्ता तो आपके सामने हमने कर ही लिया। लेकिन फटाफट से चाय का एक कप पीते हैं और चेंज वेंज करते हैं। हाँ थोड़ा सा करके आई हूँ, झूठ बोल रहा है, इतना नहीं तो वो फिर चाय पीते हैं, थोड़ा सा किया है। चाय पी लें फटाफट से, और जो है फिर चेंज वेंज कर लें, और मोबाइल की बैटरी भी लो है
मेरी शक्ल से नजर आ रहा होगा मैं रस्ते में थक गई हूँ आते आते, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, काफी टाइम लग गया आते आते। लोकल आना होता है रिक्शे में तो बस हो जाती है। चेंज कर लूँ, चाय पी लूँ और मोबाइल जो है वो फटाफट से चार्ज कर लें और थोड़ी देर हो सकता है रेस्ट कर लूँ, तो दोबारा जो है उठ के तो व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। जी गाइस वेलकम बैक। मैं थोड़ा लंबा ही सो गई थी, मैं तुम लोगों को यकीन करो बताओ तो तुम लोगों ने हैरान हो जाना है। मैं सोई थी कोई तकरीबन यूनिवर्सिटी से आके कोई 3 बजे, ठीक है। पहले मैं लेटी रही, मुझे 5-6 बजे तक ना नींद ही नहीं आई। हाँ वाकई मुझे नींद नहीं आई 5-6 बजे तक, और फिर मैं उठ गई, थोड़ा बहुत खाना शाना दोबारा से खाया क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है। खाना खा के ना रात को मैं सोई हूँ और आज मैं अगले दिन जो है ना वो उठ के अपना व्लॉग दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी ना उससे एक दिन पहले भी। वो वहां की ना चेयर्स बहुत हार्ड हैं, तो उसके ऊपर बैठ बैठ के ना ये पीछे जितनी भी हड्डी नीचे तक जाती है ना, तो वो सारी इतनी ज्यादा दर्द हो रही थी और आंखों में भी बहुत ज्यादा दर्द था। तुम लोगों को कल देख के ही अंदाजा हो गया होगा, तो इसलिए ना फिर मैं हिम्मत नहीं थी कि व्लॉग को जो है ना वो आगे कंटिन्यू करूँ। मैंने कहा यार सुबह उठ के जो है ना वो व्लॉग को कंटिन्यू कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई नहीं, अपना ही चैनल है, अपनी ही फैमिली है, अपनी ही आवाम है, ठीक है। तो दुआ करो जरा वो दर्द जो है ना जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि ये जितने भी मसल्स प्रॉब्लम है या फिर ये बैकबोन की प्रॉब्लम है ना, ये बहुत देर से जाते हैं, मुझे तो पता है। तो मतलब लाइक दुआ ही है, अब अल्लाह बेहतर करे, क्योंकि आए दिन इसमें ना दर्द रहने लग गया। खैर मैंने सोचा व्लॉग को कंटिन्यू किया जाए, उठा जाए। अगेन चैनल जिसने नहीं किया सब्सक्राइब फटाफट से कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो ताकि मजीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मिलते रहें। फिलहाल जो है ना मैं अपनी करने लगी थी डे टाइम की स्किन केयर रूटीन, डे टाइम की, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो मैं फिलहाल कैमरे को इधर करती हूँ सेट और आप लोगों के साथ ना स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें जो है ना मैं वो यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, अपनी तरफ से तो मैंने कैमरा सेट करने की कोशिश की है, पता नहीं अब हुआ है कि नहीं हुआ, खैर देखते हैं। अच्छा सबसे पहले जो स्किन केयर रूटीन में मैं मतलब यूज़ करती हूँ ना, अक्सर मैं टोनर भी यूज़ कर लेती हूँ, और टोनर के तौर पे ना मैं कोई इतना महंगे महंगे ब्रांड्स के कोई नहीं यूज़ करती। मैं तो जो रोज़ वाटर होता है ना, रोज़ वाटर जो होता है ना वही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वही सबसे बेस्ट रहता है। और बजाय इसके कि आप महंगे महंगे जो है ना वो यूज़ करो, तो आप वही यूज़ कर लो, वही आपके लिए बड़ा अच्छा, ठीक है। तो फिलहाल आजकल मेरी स्किन ज़रा सही हुई है, देख लो ओरिजिनल कैमरे में भी अच्छी आ रही है। आजकल बस ये दाना निकला था तो उसका निशान है, उसने थोड़ा काम ख़राब किया हुआ, ठीक है। तो मॉइस्चराइज़र जो है वो सबसे पहले मैं अप्लाई कर लेती हूँ, और मॉइस्चराइज़र के बाद जो है ना वो एक ओहो यार सीरम लगाती हूँ मॉइस्चराइजर से पहले, लेकिन अभी फिलहाल मैं लगाना भूल गई हूँ, तो अब मैं कोई नहीं दोबारा मुंह धो रही, लगा लिया। और सीरम मैं विटामिन सी जो है ना वो लगा रही हूँ। इन चीज़ों का जो है ना मैं अलग अलग ना आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर दूंगी, ठीक है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ग्लो SPF जो है वो मस्ट है, क्योंकि डे टाइम में जो है ना 2 finger rules जो है वो काफ़ी होता है। आप लोगों ने अपनी नेक पे भी अप्लाई करना होता है, मैं ऐसे ही जो है ना वो अपनी, और आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग अपनी स्किन केयर जो डे टाइम वाली है ना उसमें क्या लगाते हैं। रात के टाइम पे तो मैं जो है ना वो आई क्रीम भी लगा लेती हूँ, और वो भी मेरे पास कॉफ़ी सीरम पड़ा हुआ है वो अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। तो उसके साथ जो है ना मेरी डार्क सर्कल्स आजकल काफ़ी हुए हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों ना रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अच्छा ये तो हो गया जी हमारा सनब्लॉक, मैं फ़िलहाल के लिए अपना सीरम ना स्किप कर गई हूँ, लेकिन वो फिर कभी अप्लाई कर लेंगे। अब मैं धो नहीं रही, ठीक है। इसके बाद जो है चैपस्टिक लाजमी लगाती हूँ, और चैपस्टिक ना हो तो मैं जो है वो वैसलीन ही लगा लेती हूँ, और बस ये मेरी स्किन केयर रूटीन है। ओके जी, जो स्किन केयर रूटीन थी ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मैं ना सीरम लगाना भूल गई हूँ, मैंने बताया ना बस मैं ऐसी ही आजकल ब्लॉकर सी, और सीरम जो है वो विटामिन सी लगा लेती हैं या नाइसिनमाइड जो भी मेरी चल रही हो स्किन केयर के साथ उसके साथ चलती रहती हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल नाश्ता वाश्ता तो मैंने कर लिया, लेकिन और बड़े काम है। मैंने अपनी कबर्ड को जो है वो सुबह उठ के ऑर्गेनाइज किया है सबसे पहले, क्योंकि बहुत खलारा पड़ा हुआ था, और घर पर तो वैसे ही हर चीज़ मैस हुई पड़ी है, कुछ समझ में नहीं आता। बस अब मेरा इरादा है यहीं पे अपने व्लॉग करते हैं एंड, क्योंकि अब आज और भी बड़े काम हैं, और नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो इंशाल्लाह आएगा,
आएगा, मैंने कहा था ना आजकल, बेशक थोड़े दिनों के वक्फे पे आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दुआ में याद रखना, मेरे लिए दुआ कर देना कि मेरी बैक पेन अच्छी हो जाए, और ये मेरे मसल्स जो है ना वो नेक के और कंधों के ये भी बहुत दर्द रहने लग गए हैं, तो ये भी ठीक हो जाए। अब इसी एज में अगर इतना ये हाल होना है तो पता नहीं अभी हमारे आगे जाके शादियाँ होनी है, बच्चे होने हैं, फिर पता नहीं हमने क्या करना है जब बूढ़े हो जाना है। सो अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, और आप लोगों को भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, मेरे लिए दुआ कर देना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।